अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट विद महामुजम्मिल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ और उसका रिव्यू दूंगी, जिसमें स्वॉचेस वगैरह सारी उसकी ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसा और क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं और बिगनर्स के लिए ये यूज़फुल है या नहीं है। कीप स्माइलिंग का ये ड्राॅइंग सेट है, 42 पीसेस का। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने इंस्टाग्राम AJ स्टेशनर से मैंने ये ऑर्डर किया था। पैकिंग बहुत सिंपल है, बट आई होप कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी होंगी। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करके ऑर्डर करते हैं तो आपको कैश बैक भी मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि टोटल 42 पीसेस हैं, इसके अंदर 17 पेंसिल्स हैं, उसके साथ वुडलेस ग्रेफाइट है पेंसिल, उसके बाद सॉफ्ट मीडियम एंड हार्ड चारकोल पेंसिल है, वाइट ब्राउन चारकोल पेंसिल है, कॉफ़ी चारकोल पेंसिल है। बाकी की चीज़ें इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ और बताती जाती हूँ कि इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है और मेरा खुद का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कीप स्माइलिंग की। कोई भी मैंने अभी तक चीज़ यूज़ नहीं की थी। पेंसिल्स वगैरह मोस्टली मैं मोनो आर्ट की या आईफिल की करती हूँ, तो आई होप के अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। साथ मैंने जेली रोल मेटालिक एंड वाइट मीडियम के ये पेंस भी ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत सारी फिनिशिंग के लिए, इवन अगर आप गैलेक्सी वगैरह कुछ पेंट करते हैं तो उसमें स्टार्स और इस तरह का थोड़ा सा मेटालिक चीज़ें ऐड करने के लिए ये बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट ऐड करते हैं। सो अब इसके साथ हम ट्राई करते हैं जो भी चीज़ें हैं इसकी, स्टेप बाई स्टेप सारी देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से और क्या रिज़ल्ट है इनका। ये सारी पेंसिल्स हैं, F से स्टार्ट होकर 12B तक हैं। F में इसमें 1 पीस ही है, B में भी 1 पीस है, 2H के 2 पीसेस हैं, 4H का 1 पीस है, 6H का भी 1 पीस है, HB की भी 1 पीस है, 2B की 2 पीसेस है, 4B की भी 2 पीसेस हैं, 6B भी 2 पीसेस है, 8B भी 2 पीसेस हैं और 10 का 1 पीस है और 12B का भी 1 पीस है। साथ में ये इसके चारकोल पेंसिल्स हैं, इवन पेन रेज़र भी है, पेन रेज़र है और पेंसिल एक्सटेंडर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे टूल, क्योंकि मैंने पहले एक बार ये दराज से ऑर्डर किया था तो ये मुझे, मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी बिकॉज वो बहुत वेस्टेड था फॉर मी। और आई होप कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आए। और ये कटर, ब्लेंडर्स, मतलब ब्लेंडर हम इसको बोल देते हैं बट ये पेपर स्टम्पर्स होते हैं, इस रेजर्स हैं और काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं। एक ही बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा और रीज़नेबल प्राइस के अंदर है। लाइक बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा आई होप। और अब हम इसके जल्दी से आपको मैं स्वॉचेस वगैरह दिखाती हूँ। सिंपल रेजर्स हैं, 2 टाइप्स की, ये बिल्कुल जो कैजुअली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग के लिए, बेसिक स्केच के लिए, तो डिटेलिंग पार्ट के लिए, टेक्निकल पार्ट के लिए नीड एबल रेज़र भी है इसके अंदर, जो कि आप इसको बेंड करके किसी भी शेप में बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी यहाँ पर कंप्रेस्ड ग्रेफाइट और कंप्रेस्ड चारकोल भी है। वीडियो आप आगे से इसका बाकी की डिटेल्स देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ग्रेफाइट और चारकोल के का डिफरेंस नहीं पता तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रॉपर डिफरेंस बताऊंगी। इवन सिंपल जो रेज़र है उसमें और नीड एबल रेज़र में क्या फ़र्क है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी सिंपल ड्राइंग पेंसिल जो होती है स्केचिंग के लिए, और ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वुडलेस पेंसिल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो इन सारी चीज़ों का कंपैरिजन करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये सब कुछ अगर आपको ऑर्डर करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप मेरे कोड के साथ ऑर्डर करेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा या कैशबैक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने सबकी शेडिंग की स्वॉचेस कर रही हूँ और ट्रस्ट मी कि ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है। सॉफ्ट है यूज़ करने में, शायद अभी लाइट का थोड़ा सा इशू है तो आप लोगों को उतना क्लियर नहीं नज़र आएगा, बट इन फ्यूचर अभी जब मैं इनके साथ ड्राइंग करूँगी वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि मेरी इस वाली किट के साथ मैंने ये ड्राइंग की थी।
और इफेक्ट बहुत स्मूथ है, जैसे जैसे पेंसिल्स के नंबर एक्सटेंड होते जा रहे हैं तो स्मूथनेस और उसको यूज़ करने में अच्छा फील हो रहा है, मतलब वो हार्श और ये ज़्यादा बुरा लाइक टेक्स्चर नहीं आ रहा है इसका, बहुत अच्छा है यूज़ करने के अंदर। अब मैं इसमें चारकोल पेंसिल्स के साथ आप लोगों को करके बताती हूँ शेडिंग के इनका इफेक्ट कैसा आएगा, वही है इसके अंदर सॉफ्ट मीडियम और हार्ड, क्योंकि चारकोल जो है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा, हाँ मैंने एक आई डोंट नो किस कंपनी का पहले एक ट्राई किया है बट वो चारकोल स्टिक थी वो, और इवन इसके साथ मैंने चारकोल पेंसिल भी ट्राई की थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा रफ़ सी लुक, रफ़ लुक तो होती है चारकोल की बट वो यूज़ करने में थोड़ा सा मतलब एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी उसके साथ। और ये वुडलेस पेंसिल है ग्रेफाइट और अच्छी है, सबके टेक्स्चर्स अच्छे हैं, इवन यूज़ करने में स्मूथ है। अभी ये कॉफ़ी वाला मैंने यूज़ किया है, चारकोल पेंसिल की है और इसके साथ ब्राउन पेंसिल की है, अभी वाइट इसके ऊपर नहीं होगा, वो एंड में मैं किसी ब्लैक पेपर के ऊपर आपको करके दिखाऊंगी। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कि अगर हम ब्लेंड करते हैं इसको तो क्या इजीली ब्लेंड हो जाता है और कैसा टेक्स्चर आकर कैसी लुक आती है, कि हमारी जो बैकग्राउंड लाइंस हैं वो हार्श फील होंगी या अच्छे से प्रॉपर ब्लेंड हो जाएंगी। तो अच्छी लगी मुझे इसकी सारी पेंसिल्स अच्छी हैं, मतलब एज अ बिगनर अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेबल है, अच्छा रहेगा आपका इसके साथ एक्सपीरियंस। रेज पेंसिल आप कुछ भी कह सकते हैं, तो ये मोस्टली हमें बहुत टाइनी डिटेल्स के अंदर काम दे सकता है काफ़ी अच्छा सारा, जिसमें हम लोग इवन हेयर टेक्सचर जब करते हैं उसकी शेडिंग करते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ऑलमोस्ट एक छोटे मतलब रीज़नेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी। ये हैं कंप्रेस्ड चारकोल, इसमें भी सॉफ्ट मीडियम और हार्ड होती हैं और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा, मैंने जब ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सारी बातों की एक बात है कि सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इवन एज स्टेशनर का जो डिलीवरी टाइम था वो भी बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इनसे ज़रूर शॉपिंग करें और आप लोगों को बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और बहुत पॉजिटिवली ये अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं। अच्छा, ये जो नीड है वो रेज़र थी, ऑलमोस्ट सब चीज़ों के ऊपर उनका मेंशन था, जैसे कि स्माइलिंग की पेंसिल्स थी तो उनके ऊपर मेंशन था, लेकिन इसके ऊपर जो कवर था उसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं था, तो सिंपल प्लेन थी लेकिन अच्छी अच्छा रिजल्ट था उसका भी। ये वाइट चारकोल पेंसिल है और इसके साथ ये जो मैंने जेली रोल के मेटालिक और वाइट मीडियम पेंस मंगाए थे ये उनका रिव्यू भी है, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी मतलब लुक दे रहे हैं, शाइनी भी है और इजी यूज़ है। इससे पहले जो मैंने अपनी पेंट्स का रिव्यू दिया था ये उसी पेपर के ऊपर मैं कर रही हूँ, तो वो जो सेकंड लास्ट गोल्डन है और वो दोनों आपस में अच्छे से मैच हो रहे हैं, लाइक इसकी भी शाइन बहुत अच्छी है। और ये था पूरा प्रॉपर बॉक्स और आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव हुई होगी वीडियो और आप लोगों को पसंद भी आई होगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको एक्चुअली में ड्राइंग सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बिकॉज़ मेरी ऑलरेडी कुछ लेसन्स हैं जो कि बेसिक से स्टार्ट होते हैं, उसमें बेसिक ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है मैंने ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा इजी वे में कि आप लोग किस तरह से अपने शेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाउ यू कैन होल्ड द पेंसिल, बहुत सारी बेसिक टिप्स हैं उसके अंदर। सो लाजमी उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।